मैं कैसा हूँ, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, मेरा व्यक्तित्व कैसा है, सकारात्मक है या नकारात्मक, ये मेरा चेहरा देखकर आप नहीं बता सकते, बल्कि मेरी सोच, मेरे विचार, मेरा व्यक्तित्व कैसी है, ये मेरे द्वारा चयन किए गए शब्द और उसकी अभिव्यक्ति से ही जानी जा सकती है। शब्द, जी हाँ, ये हमें बना देते हैं या मिटा देते हैं। हम आज क्या हैं, हमारी वस्तु स्थिति क्या है, यह जीवन में चयन किए गए शब्द और उसी का परिणाम है। अतः हम कह सकते हैं कि जिंदगी शब्दों का ही ताना बाना है। तो चलिए देखते हैं हम आज शब्दों की ताकत। शब्द शोर है, तमाशा है, भावना के सिंध में बताशा है, मर्म की बात होठों से मत कहो, मौन ही भावना की भाषा है। हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है कि बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाओ। हम अपने बातों के मीठे प्रभाव से ही इनाम के रूप में हाथी को प्राप्त कर सकते हैं, तो हमारी बातों की कड़वाहट से हम हाथी के पाँव के नीचे भी आ सकते हैं। और यह भी कहा गया है कि लात के घाव तो भर जाते हैं पर बात के घाव कभी नहीं भरते हैं। यही बातें हैं, विचार हैं जो शब्द बनाते हैं और यही शब्द इतिहास बनाते हैं। चाहे वह कृष्ण की गीता हो, राम की मर्यादा हो, या यीशु की बाइबिल हो, या गुरु नानक के गुरु ग्रंथ साहिब हो, सबने अपने शब्दों के द्वारा ही, अपने बातों के द्वारा ही हजारों संस्कृतियों और जीवन की कलाओं को एक नया रूप दिया है। जब कोई छोटा सा बच्चा पहली बार बोलता है तो ऐसे लगता है जैसे तीनों जहां की खुशियां मिल गई हो। ये शब्द ही कभी हमें प्यार करते हैं, कभी रुलाते हैं तो कभी हंसाते हैं, तो कभी दोस्त बनाते हैं तो कभी दुश्मन भी बनाते हैं। अतः शब्द चयन करते समय बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि आपके एक एक शब्द किसी व्यक्ति को इनकरेज कर सकता है तो आपके यही शब्द किसी व्यक्ति को डिस्करेज भी कर सकता है। एक नौजवान चीता पहली बार शिकार करने के लिए निकला तो रास्ते में उसे एक लकड़बग्घा मिला। लकड़बग्घे ने उसे पूछा, अरे छोटू कहाँ जा रहे हो? तो चीता ने रोमांचित होते हुए बोला, मैं तो खुद से ही पहली बार शिकार करने के लिए जा रहा हूँ। हा 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 हा, लकड़बग्घा हंसते हुए कहा, अरे दरिद्र, तुम तो इतने छोटे हो कि तुम क्या शिकार करोगे? शिकार करने के लिए तुम्हारे पास कोई अनुभव भी तो नहीं है। जाओ घर में जाकर अभी खिलौने से खेलो। यह सुनकर चीता उदास हो गया। दिन भर शिकार के लिए इधर उधर घूमता रहा पर उसके कान में वो दरिद्र और अनुभवहीन वाला शब्द गूंजता रहा और वो असफल होकर के घर वापस लौट गया। अगले दिन फिर वह चीता शिकार के लिए निकला तो रास्ते में उसे एक बंदर मिला। तो बंदर ने भी वही पूछा कि अरे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? तो चीता ने उसी जोश उत्साह के साथ कहा, अरे मामा, आज तो मैं खुद से ही शिकार करने जा रहा हूँ। तो बंदर ने बोला, शाबाश बेटा, तुम्हारी ताकत और गति तुम्हें एक बेहद कुशल शिकारी बना सकती है। जाओ, तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। यह शब्द सुन करके चीता जोश और उत्साह के साथ भर गया और कुछ ही समय में उसने एक छोटे से हिरन का शिकार कर लिया। तो यह है शब्द की ताकत। दोनों दिन चीता वही था, उसके अंदर की ताकत और फुर्ती वही थी, अंतर था तो केवल शब्द के प्रभाव का। जिस दिन उसको डिस्करेज किया गया वो असफल हो गया और जिस दिन उसको इंकरेज किया गया वो सफल हो गया। इससे हमें तीन शिक्षा मिलती है। पहले, हमारा प्रयास हमेशा यह होना चाहिए कि हम किसी को इंकरेज करें, ना कि डिस्करेज। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें सामने वाले की कमियां हम उसको बताए ही नहीं, उसकी कमी को दिखा करके उसका जो सबसे मजबूत पॉइंट है उसको उभार करके उस वे में अगर हम उसको इंकरेज करें तभी वो सफल हो सकता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात वो है कि हमें जो नेगेटिव सोचने वाले लोग होते हैं उनसे हमें दूर होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बोलते हैं और जो नेगेटिव करते हैं वो हमेशा आपके अंदर की कमियां ही देखेंगे, उन्हें आपका मजबूत पक्ष कभी दिखाई नहीं देता है। और जो नेगेटिव सोचते हैं उनके दिमाग से जो फ्रिक्वेंसी निकलती है वो लगभग 2 किलोमीटर तक को प्रभावित करता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है, हमारा जो शब्द चयन है, क्योंकि इससे कोई व्यक्ति इंकरेज हो सकता है और डिस्करेज हो सकता है, अतः शब्द चयन बहुत सावधानी के साथ होनी चाहिए, क्योंकि आपके शब्द, हर शब्द बहुत मूल्यवान होते हैं। वो किसी व्यक्ति को सफल भी बना सकते हैं, असफल भी बना सकते हैं।
वैसे बोलना तो है ही, वचने किम दरिद्रता। और अगर मेरी बात करें तो यह तो मेरी रोजी रोटी का जरिया है, मेरी ड्यूटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा पैसा है। बट जब शब्द का चयन करते हैं तो बहुत सावधानी के साथ होना चाहिए। शब्दों का मायाजाल देखिए। जरूरी नहीं कि केवल कुत्ता ही वफादार निकले, वक्त आने पर आपका वफादार भी कुत्ता निकल सकता है। मैं किसी से बेहतर करूं, क्या फ़र्क पड़ता है, पर मैं किसी का बेहतर करूं, बहुत फ़र्क पड़ता है। उससे ना केवल आप अपने बल्कि दूसरों को अंदर से उनकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। अतः शब्द चयन बहुत सावधानी के साथ। वो कहते हैं ना कि मीठा बोलने वाले का तो जहर भी बिक जाता है और किसी का शहद भी नहीं बिक पाता। अतः तोल मोल के बोल ना बातें हो गोल मटोल, तोल मोल के बोल ना बातें हो गोल मटोल, ना खोले केवल पोल समझे शब्दों के मोल, बोल दो मीठे बोल रे मनवा बोल दो मीठे बोल। इन्हीं शब्दों के साथ कि हम शब्दों की ताकत को समझें, महत्व दें, उसको सम्मान दें, हमारी बातों से किसी का मन आहत ना हो। जय हिंद, जय भारत।